पांडे जी बोल रहे थे अभी शादी नहीं हुआ है, सिंदूर भी लगा लिया, टिकली भी लगा रही है, यहाँ देख रहे हैं पैर में भी आप देख रहे हैं जो पहना जाता है। बोलो, तुम्हारी माँ तुम्हें भेज दी है? हाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूँ। ये जो स्क्रीन पर आपको एक बच्ची दिखाई दे रही है, इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। इसकी वजह है कि इस बच्ची की उम्र है 11 साल, और सामने जो एक शख्स आपको नजर आ रहा है उसकी उम्र है 40 साल, और उस शख्स ने कर्ज के तौर पर इस बच्ची के घर वाले को कुछ रुपए दिए था, और ये घर वाले जब अदा नहीं कर पाए तो कर्ज के बदले में, उस रुपए के बदले में, उस शख्स ने इस बच्ची को अपने घर बुलाया, अपने घर रखा, और किसी भी तरीके से बहाना करके, बहला फुसला करके शादी कर ली। और वहाँ की जो प्रशासन है अभी तक खामोश है, और हिंदू तौर तरीके पर शादी हुई है, क्योंकि ये दोनों गैर मुस्लिम है, ठीक है। वहाँ के लोग अभी भी खामोश है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस्लाम के खिलाफ भौंकने वाले हैं, मुसलमानों के खिलाफ भौंकने वाले हैं, जो इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है, वो लोग भी खामोश है, क्योंकि इस तरीके के ताने अक्सर इस्लाम के दुश्मन मुसलमानों को, इस्लाम को देते रहते हैं कि मुसलमान इस तरीके से शादियां करता है, उम्र कम होती है लोग शादी कर लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ों पर बुरा भला और तनकीद करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त ये वीडियो हालांकि बहुत ज़्यादा वायरल है, लेकिन किसी को नहीं दिखाई दे रही। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं कि किसी को ठेस पहुँचाना है, मैं बस इस वीडियो को इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके के, ये सिर्फ एक बच्ची है, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो इस तरीके के वो जूझ रही है, इस परेशानी को वो झेल रही है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि वहाँ के जो गांव वाले हैं वो लोग भी खामोश हैं, कि अगर आप किसी के ऊपर जुल्म करते हुए देख रहे हैं तो ये आपके ऊपर फर्ज बनता है, ज़रूरी बनता है कि आप उसको रोकिए। अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है, तो जो ताकतवर आप उसे भी बताएं। लेकिन आप देखिए कि कितनी शान और शौकत के साथ वो लड़का कह रहा है कि हमने ऐसा किया, ऐसा किया, वैसा किया। एक काम कीजिए, थोड़ी सी वीडियो है आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। हमारा पर यहाँ पर मानवता को शर्मसार पंडित जी कर दिए हैं, सिंदूर लगा दिए हैं, बोल रहे हैं कोई काम नहीं। पंडित जी यहाँ पे लोग रीति रिवाज बनाए हुए हैं, मांग में सिंदूर डालने से धर्म पत्नी हो जाती है, कोई भी लड़की या औरत बन जाती है, ये मानते हैं। बाबू एकदम साफ साफ तुम बताओ, तुम्हारे मम्मी को कर्जा दिए थे, पैसा दिए थे? नहीं। अभी तुम शुरू में बोली फिर पलट गई, क्यों ऐसा कर रही? साफ साफ बोलो। हाँ दिए थे। कितना दिए? अभी तुम छोटी हो, तुम्हारे दिमाग को कोई भी फेर सकता है। 18 साल से कम उम्र की लड़की का अलाउ नहीं है शादी करना, और पंडित जी बाला फुसला कर यहाँ पर आप शादी कर लिए, इससे एक कानूनन अपराध है, आप जेल में भी जा सकते हैं, आप बच नहीं पाए। हुआ ये हमको भी नहीं मालूम, कैसे बताएं कि कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ? अब यही सब हुआ, कैसे हुआ, कुछ क्या हुआ, क्या हुआ? शादी हो गया चाहे जैसे भी, ये कहो या मत कहो, तुम्हारे चाहने से नहीं हो सकता है। संविधान ये हिंदुस्तान का संविधान ये नहीं कहता है। और 11 साल तुम्हारा उम्र है ना, 6 में पढ़ रहे थे, 6 स्टैंडर्ड में, क्या आया मुसीबत की इनके साथ शादी करना पड़ा? सही सही बताओ, क्यों ऐसा किया? तुम्हारे माँ को ये पैसा दिए थे? कर्जा कितना है हमको नहीं मालूम है कितना है। तो कर्जा चुकाने के लिए इनके घर आ गए? तो इस वीडियो को आपने देख लिया, इस वीडियो में बच्ची से जब पूछा जा रहा है तो कभी हाँ कर रही, कभी ना कर रही, कभी कुछ बोल पा रही, कभी कुछ नहीं बोल पा रही, क्योंकि उसके अंदर इतनी अकल नहीं है कि हमें हाँ बोलना है या ना बोलना है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि उन लोगों ने जिस तरीके से सिखाया वो उस तरीके से डर से बोल रही, कि हो सकता है कि ये दोबारा हमें घर पहुंचा दे, फिर दोबारा हमारे घर वाले को तंग करे। तो बराए करम मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस तरीके के मामला अगर आपके इलाके में होता है या आपके पड़ोसी इलाके में भी होता है तो आप फौरन इस खबर को फैलाइए, लोगों को बताइए, क्योंकि ये हकीकत में गलत है। वो चाहे हमारे मुस्लिम समाज में हो या फिर हिंदू समाज में हो या किसी भी समाज में हो, ये गलत है तो गलत है। और जो लोग इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं, मैं उन सब से कहना चाहूँगा कि हमारे मुसलमानों में, हमारे इस्लाम में ये कभी भी इजाज़त नहीं दी गई है कि नाबालिग बच्चे से आप शादी करें। जब बच्चियाँ बालिग हो जाती है तभी इजाजत है कि आप उससे शादी करें, अगर नाबालिग बच्ची से शादी करेंगे तो आप उससे मिल नहीं सकते हैं। बहरहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं आप कमेंट पर जरूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर करें। मुझे बोलने में, समझाने में कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप जरूर मेरी सलाह करें, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।